नमस्कार दोस्तों, मैं पवन आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube पर आप परिवार इजू जोन में। दोस्त, आज हम लेकर के आ चुके हैं एक बेहतरीन टॉपिक, प्रॉफिट एंड लॉस। कौन सा टॉपिक? प्रॉफिट एंड लॉस मैथमेटिक्स का एक बेहतरीन टॉपिक है जिसे समझने में कभी कभी कठिनाई होती है, लेकिन वह कठिनाई नहीं होगी क्योंकि आप हैं, हम हैं, तो कठिनाई किस बात की है। समझते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को समझने से पहले हमें कुछ छोटे छोटे बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझना होगा, जैसे कि सीपी क्या होता है, एसपी क्या होता है। जब इन दोनों को अच्छी तरीके से हम लोग समझ पाएंगे तब हम लोग उसमें से प्रॉफिट और लॉस को डिटरमाइन कर पाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला टर्म होता है कॉस्ट प्राइस। क्या होता है? कॉस्ट प्राइस क्या होता है? द प्राइस एट विच वी एनीथिंग बाय और परचेज। यदि किसी भी चीज को हम लोग जिस प्राइस पे खरीदते हैं वही प्राइस वह क्या कहलाता है? कॉस्ट प्राइस कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉस्ट प्राइस कहलाता है। द प्राइस एट विच एनीथिंग बाय और परचेज इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस। इट इज डिनोटेड बाय सीपी। इसे हम लोग सॉल्यूशन करने के लिए सीपी से डिनोट कर लेते हैं। किससे डिनोट कर लेते हैं? सीपी से डिनोट कर लेते हैं, क्योंकि C4 होता है कॉस्ट और P4 होता है प्राइस, इसलिए इसका एक्रोनिम हम लोग सीपी से डिनोट कर लेते हैं। दूसरा होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या होता है? द प्राइस एट विच एनीथिंग सोल्ड। द प्राइस एट विच एनीथिंग सोल्ड, जिस प्राइस पे किसी भी चीज को बेचा जाता है, सोल्ड किया जाता है, वही प्राइस आपका क्या कहलाता है? सेलिंग प्राइस। क्या कहलाता है? सेलिंग प्राइस। अब अपने भाषा में समझिए, क्या कीजिए, अपने भाषा में समझिए। मान के चलिए हम शॉपकीपर है, हम क्या है? शॉपकीपर है, और हमने यही मार्कर को परचेज किया है। हमने यही मार्कर को क्या किया है? परचेज किया है। और ये मार्कर हमने 10 रुपीज में परचेज किया। कितने रुपये में परचेज किया? 10 रुपीज में। और हमने 10 रुपीज में परचेज किया है, क्या किया है? परचेज किया है। और आप जानते हैं जिस प्राइस पे हम लोग किसी भी चीज को परचेज करते हैं वो हमारा कहलाता है कॉस्ट प्राइस। तो इस मार्कर का सीपी हो गया 10 रुपीज। मार्कर का सीपी कितना हो गया? 10 रुपीज। और हमने इसको 20 रुपीज पे सोल्ड किया है। 20 रुपीज पे क्या कर दिया? सोल्ड कर दिया। तो इस मार्कर का 20 रुपीज क्या हो गया? एसपी हो गया। 20 रुपीज क्या हो गया? एसपी हो गया। तो देखिए, अगर हम शॉपकीपर है तो हमने मार्कर जितना में खरीदा है वह आपका हो गया कॉस्ट प्राइस, और मार्कर हमने जितना में बेचा है वो हो गया हमारा क्या? सेलिंग प्राइस। वो हमारा क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। दोस्त, हम लोग एसपी और सीपी को समझ चुके हैं। अब हम जानेंगे कि यहाँ दो केसेस होता है। एक केसेस में एसपी ग्रेटर हो जाता है हमारा सीपी से, और दूसरे केस में हमारा सीपी ग्रेटर हो जाता है एसपी से। तो वह दोनों केस में क्या क्या होगा, कब प्रॉफिट होगा, कब लॉस होगा, उसको समझते हैं। देखिए दोस्त, पहला केस को हम लोग समझ रहे हैं। पहला केस में हमने यह दिखाया है कि एसपी अगर ग्रेटर हो जाए सीपी से, एसपी क्या हो जाए? ग्रेटर हो जाए सीपी से, तो उस कंडीशन में हमें प्रॉफिट होता है। उस कंडीशन में हमें क्या हो जाता है? प्रॉफिट। अगर एसपी ग्रेटर हो जाए सीपी से तो उस कंडीशन में हमें प्रॉफिट होता है। और प्रॉफिट अगर होता है तो कितना प्रॉफिट होता है? तो प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? एसपी माइनस सीपी। क्या करना होगा? एसपी माइनस सीपी। तो प्रॉफिट निकालने के लिए हमें एसपी माइनस सीपी करना होगा। अगर हमें प्रॉफिट और सीपी दे दे, अगर हमें प्रॉफिट और सीपी दे दे और पूछे एसपी क्या है, तो हमें प्रॉफिट प्लस सीपी करेंगे तो हमारे पास एसपी आ जाएगा। या हमें एसपी और प्रॉफिट दे दे, सीपी पता करना हो तो सीपी बराबर हो जाएगा एसपी माइनस प्रॉफिट। कहने का मतलब यही आपका एंटीबायोटिक होगा। यह लगाने के बाद आपको ये दोनों का जरूरत नहीं होगा, क्योंकि अगर आप एंटीबायोटिक को ही ले लेते हैं तो छोटा मोटा चीजों को याद रखना नहीं पड़ेगा, क्योंकि यही आपका क्या है? बेन फॉर्मूला है। इसी का ये सब क्या है? डिराइवेशन है। इसी का क्या है? डिराइवेशन है। तो अगर आपके पास एसपी हो सीपी हो तो आप आराम से कंपैरिजन कर सकते हैं कि एसपी बड़ा है या सीपी बड़ा है, एसपी बड़ा है या सीपी बड़ा है। अगर एसपी बड़ा है तो प्रॉफिट होगा, अगर एसपी बड़ा है तो प्रॉफिट होगा। अगर एसपी बड़ा नहीं है तो उस कंडीशन को हम लोग अगले केस में समझेंगे। लेकिन इस कंडीशन में आप समझिए कि अगर एसपी बड़ा होगा और सीपी से, उस कंडीशन में हमें प्रॉफिट होगा। क्या होगा? प्रॉफिट होगा। अगर प्रॉफिट होता है तो कितना होता है? तो इसे डिटरमाइन करने के लिए हमें एसपी माइनस सीपी क्या करना होगा? एसपी माइनस सीपी क्या करना होगा? एसपी माइनस सीपी। तो उस कंडीशन में जो हमें प्रॉफिट मिला, अब पूछेगा बताइए तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा? क्या होगा? प्रॉफिट परसेंट कितना होगा? तो प्रॉफिट परसेंट डिटरमाइन करने के लिए हमें क्या करना होगा?
टोटल प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100, टोटल प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। टोटल प्रॉफिट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होगा? एसपी माइनस सीपी। क्या होगा? एसपी माइनस सीपी। तो एसपी माइनस सीपी हम पहले टोटल प्रॉफिट निकाल लेंगे, उसके बाद हमें प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए टोटल प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। आइए समझते हैं। एक मान लीजिए इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ मार्कर इज 8 रुपीज, इफ अ कॉस्ट प्राइस ऑफ अ मार्कर इज 8 रुपीज एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ दैट मार्कर इज 10 रुपीज एंड सेलिंग प्राइस ऑफ दैट मार्कर इज 10 रुपीज, देन फाइंड प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंट। तब हमें प्रॉफिट और प्रॉफिट परसेंट को डिटरमाइन करना है। तो ध्यान दीजिए मेरे भाई, हमने कहा है कि आप एसपी और सीपी का कंपेरिजन कीजिए। क्या कीजिए? एसपी और सीपी का कंपेरिजन कीजिए। एसपी बड़ा है या सीपी बड़ा है? तो एसपी 10 रुपीज है, सीपी 8 रुपीज है। तो इस कंडीशन में सॉल्यूशन अगर हम करें तो एसपी क्या हो जाएगा मेरे भाई? ग्रेटर हो जाएगा सीपी से, क्योंकि एसपी 10 है, सीपी 8 है। तो जाहिर सी बात है 10 ना बड़ा है, तो अगर 10 बड़ा है तो एसपी ना बड़ा हुआ, तो एसपी बड़ा हुआ तो एसपी सीपी से बड़ा होगा। अगर आपको याद है केस 1, एसपी अगर सीपी से बड़ा होता है तो वो प्रॉफिट होता है। वो क्या होता है? प्रॉफिट होता है। अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट कितना होता है यह डिटरमाइन करने के लिए हमें एसपी में सीपी को माइनस करना होता है। क्या करना होता है? एसपी माइनस सीपी। तो एसपी आपका 10 रुपीज है, एसपी आपका क्या है? 10 रुपीज है, और सीपी कितना है? 8 रुपीज है। तो प्रॉफिट आपका हो गया 2। प्रॉफिट कितना हो गया? 2 रुपीज। प्रॉफिट अगर पूछेगा तो केवल प्रॉफिट 2 रुपीज होगा, जबकि हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना हो। क्या निकालना हो? प्रॉफिट परसेंट निकालना हो तो हमें टोटल प्रॉफिट करना होगा। टोटल प्रॉफिट 2 है। टोटल प्रॉफिट क्या है? 2 है। और बाय सीपी, सीपी कितना है? 8 है। इंटू 100 करना होगा, आपको पता है। तो 4 + 8 होता है और 4 × 25 = 100 होता है। तो आपका यहाँ प्रॉफिट परसेंट होगा 25%। प्रॉफिट परसेंट कितना होगा मेरे भाई? 25% आपका क्या जाएगा? प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा। तो आप आसानी से समझ पाए हैं कि प्रॉफिट हमारे पास आ जाने के बाद हम लोग प्रॉफिट परसेंट को किस तरह से डिटरमाइन करते हैं। समझे हैं कि नहीं? अब चलते हैं लॉस को समझने। आइए मेरे भाई, अब हम लोग केस 2 को समझते हैं। केस 2 में क्या समझना है? केस 2 में समझना है कि अगर सीपी बड़ा हो जाए एसपी से, अगर क्या बड़ा हो जाए? सीपी बड़ा हो जाए एसपी से। तो पहले वाले कंडीशन में हम लोग समझे हैं कि एसपी बड़ा हो जाए सीपी से। तो अगर एसपी बड़ा हो जाए सीपी से तो उस कंडीशन में प्रॉफिट होगा। क्या होगा? प्रॉफिट होगा। अगर सीपी बड़ा हो जाए एसपी से तो उस कंडीशन में हमें लॉस होगा। उस कंडीशन में हमें क्या होगा? लॉस होगा। तब अगर लॉस होगा तो कितना लॉस होगा? इसका डिटरमिनेशन करने के लिए हमें लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी करना होगा। क्या करना होगा? सीपी माइनस एसपी। तो लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी, लॉस बराबर सीपी माइनस एसपी। और सीपी, सीपी क्या है? सीपी क्या? सेंट्रल पुलिस? ना 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 ना, सीपी कॉस्ट प्राइस है। और एसपी क्या? सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ना सर, क्या है? सेलिंग प्राइस। क्या है? सेलिंग प्राइस। तो सीपी बराबर आपका हो जाएगा, देखिए इसी का डिराइवेशन है, लॉस प्लस सीपी। एसपी को इधर लेते हैं, ये आरएचएस माइनस है तो प्लस हो जाएगा। उसी तरह से केवल जब हमें सीपी और लॉस गिवन होगा, अगर एसपी निकाला हो तो सीपी माइनस लॉस हो जाएगा। तो आपको यही याद रखना है, और ये दोनों बाकी का डिराइवेशन है कि दो टर्म आपको गिवन होगा, तीसरा टर्म प्रॉफिट या लॉस निकालना होगा। प्रॉफिट या लॉस आप देख करके बता सकते हैं कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। इसके लिए आपको एसपी को भी गौर से देखना होगा और सीपी को भी गौर से देखना होगा, और दोनों का न्यूमेरिक वैल्यू को आप देख करके कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन ग्रेटर है या कौन स्मॉलर है। अगर आपका एसपी सीपी से ग्रेटर आता है तो उस कंडीशन में आपको पता चल जाएगा कि हाँ प्रॉफिट हो रहा है। दूसरे कंडीशन में अगर सीपी आपका एसपी से ग्रेटर आ रहा है तो उस कंडीशन में आपको पता चल जाएगा कि लॉस होगा। अगर लॉस होगा तो आप सीपी माइनस एसपी करेंगे, अगर प्रॉफिट होगा तो आप एसपी माइनस सीपी करेंगे। आप क्या करेंगे? एसपी माइनस सीपी करेंगे। तो जिस तरह से आप सीखे हैं कि प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए हमें टोटल प्रॉफिट बाय सीपी इनटू 100 करना होता है, उसी तरह आप ये समझिए कि अगर हमें लॉस परसेंट निकालना हो तो टोटल लॉस बाय सीपी इनटू 100 करना होगा। क्या करना होगा? टोटल लॉस बाय सीपी इनटू 100, टोटल लॉस बाय सीपी इनटू 100। क्या निकालने के लिए? लॉस परसेंट निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? लॉस परसेंट निकालने के लिए। तो आप देखिए क्वेश्चन ले लिए हैं, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बुक इज 100 रुपीज, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बुक इज 100 रुपीज एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ दैट बुक इज 90 रुपीज, सेलिंग प्राइस ऑफ दैट बुक इज 90 रुपीज, देन फाइंड द लॉस और लॉस परसेंट। फाइंड द लॉस एंड लॉस परसेंट। आप ये देखिए, सीपी बड़ा है या एसपी? सीपी बड़ा है या एसपी? 100 बड़ा है, 90 100 बड़ा है, 90 कौन बड़ा है? बोलिए, आवाज नहीं आ रही, थोड़ा जोर से बोलिए। गुड,
सीपी बड़ा है, क्योंकि सीपी न्यूमरिक वैल्यू है, न्यूमरिक वैल्यू हमें क्या टेंशन, देख करके हम बता सकते हैं कौन बड़ा है क्या छोटा। ये सीपी है, ये 100 रुपीज है, सीपी 100 रुपीज है, एसपी 90 रुपीज है, तो ये आपका क्या हो गया, सीपी ग्रेटर हो गया, सीपी क्या हो गया, ग्रेटर हो गया। तो अगर सीपी ग्रेटर हो जाए, सीपी ग्रेटर हो जाए एसपी से, उस कंडीशन में लॉस होता है, तो लॉस निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है सीपी माइनस एसपी, क्या हो जाता है सीपी माइनस एसपी, तो लॉस बराबर आपका आ जाएगा सीपी है 100 रुपीज, सीपी है 100 रुपीज और एसपी है 90 रुपीज, एसपी क्या है 90 रुपीज, तो लॉस बराबर हो जाएगा 10 रुपीज, लॉस बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई 10 रुपीज, लॉस आपका आ चुका है। अब आपको निकालना है लॉस परसेंट, क्या निकालना है लॉस परसेंट, तो लॉस परसेंट निकालने के लिए टोटल लॉस कितना है 10, लॉस कितना है 10 बाय सीपी, सीपी कितना 100 इंटू 100, तो 100 से 100 कैंसिल, बचा 10%, यही आपका हो जाएगा लॉस परसेंट, क्या हो जाएगा मेरे भाई लॉस परसेंट हो जाएगा। तो हमारे दोस्त, हमारे मित्र, हमारे भाई एवं बहन, आप लोग समझे होंगे कि हम लोग किस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस को डिटरमाइन करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस को डिटरमाइन करने के लिए हमें एसपी और सीपी, हमें एसपी और सीपी का कंपैरिजन करना होता है, उसके बाद हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को डिटरमाइन कर लेते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। अब हम लोग इसी प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक का ही अगला टॉपिक हो जाता है आपका मार्क प्राइस, डिस्काउंट, वैट, वीएटी, वैल्यू एडेड टैक्स, फिर जीएसटी, वो सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन के लिए हमें उन सभी टर्मों का फिर कंसेप्ट लेना होता है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उन सभी कंसेप्ट को कवर कर लेंगे। तो आई होप कि आप लोग इस कंसेप्ट को बेहतरीन ढंग से समझ पाए होंगे और इसके बेस्ड सभी प्रकार के क्वेश्चंस को करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन तो आपको करना ही होगा, तभी फॉर्मूला का यूज हो पाएगा, वैसे लिखे लिखाए से कुछ काम होने वाला नहीं है। तो आप प्रॉपर ढंग से एक नोट्स को मेंटेन कर लीजिए, नोट्स में इसको बना लीजिए, सारे फॉर्मूला आपके पास है, सारे फॉर्मूला समझ आपके पास है, अब आपको क्या करना है इसपे बेस क्वेश्चन करना है, इसपे बेस क्वेश्चन करना है और आपसे सभी क्वेश्चन बनेगा। तो आइए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।